राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल मीरा भाईंदर में कार्यकर्ता मेलाओं का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रहे श्री गणेश नायक, पालक मंत्री और जयंती पाटिल। इस प्रोग्राम के अजीत साजिद आसिफ पटेल, युवा जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर, जाकी आसिफ पटेल, 146 विधानसभा अध्यक्ष ओला मजीवाड़ा, बाहुबली अमित सिंह ठाकुर, जिला कार्य अध्यक्ष मीरा भाईंदर। ये थी एक खास रिपोर्ट। दादा हमारी पुरानी कमेटी थी उसको डिसॉल्व करके जैसे कुछ लोग हमारे हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे ब्लॉक में हमारे वार्ड में सक्रिय नहीं है, हमारे जिला पे सक्रिय नहीं है, तो हमने वो सारी कमेटी डिसॉल्व करके टोटली तरीके से नई कमेटी नियुक्त की है। और हमारे कुछ लोग जिसमें हमको ऐसा लग रहा है कुछ वार्ड से कुछ ब्लॉक से कुछ पदाधिकारी सक्षम है जो मतलब ग्राउंड लेवल ना कि कुछ अलग चीजों में वो यूथ कांग्रेस में इनके साथ में पहले कुछ नहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ कंटिन्यू आता जाता रहता हूँ लेकिन कोई भी मतलब आप कैसे वोट नहीं आप ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अध्यक्ष चुने गए हैं यानी उसके पहले नीचे के स्तर पे कुछ युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम किया होगा ना कि नहीं किया नहीं कोई बात नहीं संतोष पेंडुलकर कार्याध्यक्ष बोला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिल्ह्याच्या वतीने कार्यकर्ता सुसंवाद मेळाव्याला उपस्थित गणेश नाईक साहब का दादा का माजी पालक मंत्री संदीप वैद्य साहब निरीक्षक
पूर्णिमा काटकर सोन मान्यवर वास्तविक पत्रकार भाइयों और सभी भाइयों और बहनियों, दादा अभी हमारे नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए, उन्होंने उनकी नई कमेटी बनाई, हमने भी हमारी यूथ की जो नई कमेटी पूरी बनाई है, अभी हम हमारे नई कमेटी के कुछ मेंबर्स लोग को आपके हाथ से पत्र दिलाएंगे। 27 तारीख को हमने दादा के हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर दिलाए कुछ पदाधिकारियों को। आने वाले समय में अभी आप जैसा आदेश करेंगे उसके मुताबिक हम पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज आपल्या महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी अध्यक्ष माननीय जयंत पाटील साहेब आलेले आहेत। श्री अभी देखे आपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे आए महाराष्ट्र के जनता पार्टी से, अभी उनके माध्यम से भी हम पद वाटअप करेंगे। मीरा भाईंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बेसिक ने भी पद बांटना चालू किए, हमारे नए अध्यक्ष ज्वाइन किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में को हम मीरा भाईंदर के अंदर राष्ट्रवादी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उनके साथ में मिलकर हम मीरा भाईंदर के लोगों के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने काम पे अगर यहाँ के लोगों को देखी तो ऐसी कौन सी समस्याएं लग रही है जिस समस्या को लेकर आप चल रहे हैं कि अगर जीत होती है, अगर वो चीज़ें होती हैं तो आप उस काम को सबसे पहले इस काम को आप करेंगे? अभी गांधी जयंती के माध्यम से हम लोगों ने 2 दिन पहले आंदोलन किया, आपने देखा होगा बराबर, एक मौनवंत रख के हमने आंदोलन किया। जो जो पेट्रोल का मुद्दा है, जो जो मुद्दे हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किए और पूरे नहीं किए, उसके खिलाफ़ हम लोग आंदोलन करेंगे और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिला सके ये प्रयत्न करेंगे। और जिस तरह से आए मीरा भाईंदर को देखते हुए आए दिन एक एक कार्यक्रम देखे जा रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, तो ये लोगों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और आज की बैठक को लेकर क्या कुछ खास रहा? ये तो हम लोग जो कर रहे हैं वो तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, ये तो आप लोग देख रहे हैं, और जितने कार्यक्रम हमको करना पड़ेंगे जो पब्लिक के लिए फायदेमंद रहेंगे उतने हम करेंगे। और आगे किस तरह के कार्यक्रम और भी आप लोगों की तरफ से आयोजित किया जाएगा इस चुनाव के लिए, क्या कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं आप? सबके सब आज पूछ लेंगे, धीरे धीरे बताएंगे, सब जितने कार्यक्रम होंगे आप लोगों के माध्यम से हम लोग बताएंगे। थैंक यू। हमारी कोशिश है कि महाराष्ट्र के हर बूथ के ऊपर हमारी बूथ कमेटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में इस बूथ कमेटी का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम हाथ में लेने वाले हैं। पिछले हफ्ते में एक बड़ी रैली हमारी बीड जिले में हुई, आदरणीय हमारे नेता शरद पवार साहब वहाँ पे थे, ऐसे कुछ लोगों की बड़ी पैमाने पे संपर्क करने की रैलियाँ भी आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। बहुत कुछ काम करने की व्यवस्था अपेक्षा और नेटवर्किंग हमारा चालू है। हम कोशिश ये करने वाले हैं कि हमारे सहयोगी जो दूसरी पार्टियाँ है, खासतौर पे कांग्रेस और अन्य हमारी विचारधारा से मिलती जुलती जो पार्टियां हैं, उनको साथ में लेके हम महाराष्ट्र में गठबंधन करेंगे और उस गठबंधन के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा को और शिवसेना की सरकार को सत्ता से परास्त करेंगे। और जिस तरह से मीरा भाईंदर से साजिद पटेल जी, उनको भी कोई जिम्मेदारियाँ, किस तरह से जिम्मेदारियाँ उनको दी जाने वाली है? वो हमारे युवक के अध्यक्ष है और वो काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़े पैमाने में यूथ हमारी पार्टी को जुड़ रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर ये भाईंदर तो मिनी इंडिया है, ऐसा मैं कहूँगा, सारे देश के अलग अलग हिस्से के लोग यहाँ आके रह चुके हैं, रहते हैं और अलग अलग जाति और धर्मों से धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि भाईंदर का चुनाव ये तो भारत के अलग अलग राज्यों के रिफ्लेक्शन इस चुनाव में हो सकता है और इसीलिए साजिद जी और उनके सब युवा कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। राफेल डील को लेकर जिस तरह से मोदी जी के समर्थन में पवार जी आए हुए थे और कांग्रेस उसको किस तरह से पूरी तरह से उस चीज़ को उठा के इसमें चुनाव में उस चीज़ को ला रही है, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही होगी कि पवार जी ने उनका समर्थन किया जिस तरह से मोदी जी को सपोर्ट किया इस बात के लिए?
पवार जी ने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस का किया मोदी जी का कि जो वहाँ पर ये गलतफहमी है। पवार जी ने ये कहा पिछले 3 दिन पहले बीड में भी बड़ी रैली हुई, जो एक छोटी उनकी मुलाकात हुई एक चैनल के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होनी चाहिए। लोगों के मन में ये आशंका है कि 500-600 करोड़ का एक प्लेन 1600-1700 करोड़ के लिए क्यों इतने बड़े दाम में खरीदा जाता है, और कोई सरकार की तरफ से इसके बारे में सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है, और इसलिए वो जो शंका आ रही है, आशंका है, वो अभी आस्ते आस्ते बड़ी हो जाती है, हो जा रही है, ये पवार साहब ने कहा था। अब जबकि किसी के नाम का प्रूफ सामने नहीं आता तो उसका नाम लेना ठीक नहीं है, ये पवार साहब की राय थी। लेकिन उसी मुलाकात में उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, अगर जांच होती है तो किसका नाम सामने आता है वो भी सामने आके उसके बारे में भी उस बाद में आगे जाके बात हो सकती है। यही चीज़ उन्होंने बीड़ में जाके दोहराई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस इस पक्ष के साइड में है कि इसकी चुनाव इसकी जांच होनी चाहिए और राफेल डील में जो घोटाला हुआ है वो सामने लाना चाहिए। ये तो पवार साहब ने बार बार कहा है। कौन जरा मागे शांत बसा, पत्रकारांना तुमच्या बोलण्यामुळे काय ऐकेल आणि ते काय बोलता ते मला ऐकू येत नाही। सर 2019 के लोकसभा चुनाव में सर गणेश नाईक सर जी इलेक्शन लड़ेंगे या फिर संजीव नाईक जी लड़ेंगे? गणेश नाईक जी हमारे लीडर है और हम चाहते हैं कि वो जैसे इस जिले में विधानसभा में और लोकसभा में चुनाव उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस सारे चुनाव में विजय प्राप्त हो, तो वो जैसे कहेंगे उस दिशा से राष्ट्रवादी अपेक्षा करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। सर मीरा भाईंदर में फिर से पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति आप थोड़ी देर रुकेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको स्वल्प में बताता हूं कि हमारी बूथ कमेटी वार्ड कमेटी इसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। इस शहर में गणेश नाईक जी जब मंत्री थे तब बहुत कुछ उन्होंने किया है, तो इस शहर की जनता जानती है कि राष्ट्रवादी के हाथ में अगर इस शहर का और इस विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का अधिकार आया तो इस शहर की तरक्की हो सकती है, जो गणेश नाईक साहब ने पिछले 15 साल में बहुत अच्छी तरह से करके बताई है। ऐसी है कि आज के तारीख में तो हमारे कद्दावर नेता तो ये शहर में नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। अभी प्रकाश दुगोलो के नेतृत्व में और पेंडुरकर के नेतृत्व में अभी संगठन अभी जोर पकड़ रही है, जैसे जिला अध्यक्ष कार्याध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सरचिटनीस हो गए, चिटनीस हो गए, ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, वार्ड अध्यक्ष हो गए, अभी बूथ अध्यक्ष बनेंगे, बूथ सदस्य बनेंगे, करीबन 10,000 तक की जो कार्यकर्ताओं की फौज इस शहर में बनाने का हमारा एक सोच है, और वो खाली सत्ता पाना हुआ हमारा उद्देश्य नहीं है। सत्ता पाने के बाद में जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति से गरीब लोगों के आंसू पोंछने का काम जरूर किया जाएगा। और आज मैं नम्रता के साथ बोल रहा हूँ कि मैं 15 साल इस जिला का पालक मंत्री था, भाईंदर इलाके का मैं 3 बार मैंने विधानसभा का नेतृत्व किया था। उस वक्त में भाईंदर में जनता दरबार हर एक 15 दिन में मैं इधर यहाँ पे जनता दरबार लगा जाता है। आज भाईंदर की जनता दरबार ये नाम ही भूल गई है, और मैं यकीनन से बोलूँगा आगे चल के हिंदू मुसलमान बौद्ध क्रिश्चन जैन सिख सभी भाषाएँ सभी वर्ण वर्ग सभी लोगों को एक निर्भयता मिले और उनके जीवन में
प्रोग्रेस होने के लिए जितने भी प्रयास करने होंगे उतना प्रयास करने का हमारा इरादा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंतराव पाटिल साहब के नेतृत्व में ये सिलसिला जारी रहेगा, शक्ति बढ़ते जाएगी और आने वाले 19 का लोकसभा हो, उसके बाद में आने वाला विधानसभा हो, इसमें हम लोग जरूर जनता से अपील करेंगे कि हमें शक्ति प्रदान करो और शक्ति जनता प्रदान जरूर। इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गठबंधन युति या पीछे जो एक अफवाह चली थी मनसे के साथ उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली। मैंने देखिए बात ऐसी कि जयंत पाटिल साहब ने कहा कि हमारे जो समविचार धारा के पक्ष है, अभी हमारी जो जो देश स्तर पे राज्य स्तर पे चर्चा चल रही है खाली कांग्रेस के साथ में, और सेक्युलर विचारधारा के जो पक्ष है वो लोग साथ में आएंगे और आगे आगे कारवा बढ़ते हैं। अच्छा सर, मैं माजी आदिया माजी नगर सेवक आसिफ पटेल, कब उनको रिटर्न देखेंगे आपके साथ? आसिफ आसिफ पटेल साजिद पटेल आसिफ पटेल आसिफ पटेल जी तो मतलब अभी थोड़े वो साजिद पटेल तो आ गए हैं तो उनको कब देखना चाहेंगे हम लोग? अरे वो तो अभी मतलब जिस दिन बुलाएंगे वो आएंगे, हम उनका भी जवान लोगों को बोला तुम लोग मैदान तैयार करो, बाद में आसिफ पटेल जी को हम लोग जो वक्त आएगा तो उनको बुलाएंगे ना। 2019 के लिए मीरा भाईंदर कितना स्ट्रांग लग रहा है जीत के लिए? ये देखिए अभी राजनीति इतनी बहुत इजी नहीं रही किसी भी पार्टी के लिए, बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, RPI हो या समाजवादी हो, जो पार्टी के कार्यकर्ता चौकन्ने रहेंगे वही पार्टी लोगों के मन में बसेगी, वही पार्टी को लोग अपना मैंडेट देने वाले हैं। कोई बोलेगा कोई घोषणा करके, कोई स्टंडबाजी करके, गुंडागर्दी करके आगे चलते लोगों के दिल में बसने वाले लोगों के दिन आने वाले, ऐसे नौटंकी लोगों के दिन आने वाले नहीं है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।